तो एक साथी ने कहा कि बीजेपी वाले आपके मुंह पे कालिक लगाना चाहते हैं। हमने कहा कितना बड़ा बेवकूफ है, ये आसनसोल है, कोयले की कमाई खाता है, फिर भी काला रंग का महत्व नहीं समझता है। रंगों से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या दिक्कत है रंग में? ये देखिए सामने में गुलदस्ता रखा हुआ है, अलग अलग रंग का इसमें फूल है। अब एक ही रंग का अगर इसमें फूल रख दिया जाए तो कितना भद्दा लगेगा। अलग अलग रंग होता है, लेकिन इनको अगर लगता है कि मेरे मुंह पे कालिक लगाने से इस देश का भला हो सकता है तो वो लगा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर वो रियलिटी में नहीं लगा पाते हैं तो फोटोशॉप पे एडिटिंग करके ट्विटर पे लगा देते हैं, और उनसे अगर मन नहीं भरता है तो जो पोस्टर लगाया हुआ था, मैं रास्ते में देख रहा था तो पोस्टर के ऊपर जाकर के काला रंग लगा दिया था। अब इनके काला रंग के प्रति जो प्रेम है उसको देख करके गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद आ जाती है, संयम काला रंग। अब बात यह है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का बीजेपी के साथ क्या रिलेशन है? अरे आप लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे होंगे, इसमें बड़ा मारामारी होता है। ये गैंग्स ऑफ नागपुर है, पूरे देश में मारामारी कर रहा है। इसीलिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, अपना कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार ने जिन वादों को किया था उससे जो सरकार मुकर रही है उसकी याददाश्त को मजबूत कर रही है, उन लोगों का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये काम ये लोग देशभक्ति के नाम पे कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिएगा, भक्ति और प्रेम में बड़ा फर्क होता है। भक्ति और प्रेम में बराबरी होती है, इश्क होता है, मोहब्बत होता है, जहाँ दोनों की बात चलती है। देश के साथ भक्ति करनी चाहिए कि प्रेम करना चाहिए, ये सवाल हम लोगों को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि देश के साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम क्यों करना चाहिए? कि प्रेम जो है उसमें बराबरी की बात है, और बराबरी की जब बात होती है तो दोनों से वह संपूर्णता आती है, दोनों के मिलने से वो चीज़ बनता है। कि देश देश के लोगों से बनता है, तो देश से प्रेम करने का मतलब है अपने देशवासियों से प्रेम करना। तो ये देश भक्त नहीं है, ये मोदी भक्त है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप किसी की भक्ति मत कीजिए, अपने मुल्क से प्रेम कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि जरूर जो लोग पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि आपने जरूर कुछ अच्छा किया होगा तभी आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं। क्योंकि इस मुल्क की जो खासियत है वो खासियत ऐसी है कि जब आप हिमालय के वादियों में जाएंगे, लाहौर और लद्दाख के गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप स्विट्जरलैंड में हैं, और जब आप गोया के बीच पे जाएंगे तब आपको लगेगा कि आप अमेरिका के बीच पे बैठे हुए हैं। जब आप केरल की वादियों में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि कितना खूबसूरत वन है, क्या शानदार बारिश होती है। और जब आप मैदानी इलाकों में घूमेंगे तो आपको हरियाली का मैदान दिखाई देगा बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो इस देश की विविधता है, इस देश की खूबसूरती है, आज उस खूबसूरती को बचाने का सवाल है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि कन्हैया कुमार का विरोध करने से देश बच जाएगा, तो उनको विरोध करने दीजिए, लेकिन उनसे कुछ सवाल पूछना चाहिए कि क्यों विरोध कर रहे हैं। आओ सवाल जवाब करते हैं और तय करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम सही हो तो तुम्हारी बात को मैं मान लेता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो मेरी बात को तुम मान लो, मैं ये कह रहा हूँ। हमारी से हमने लॉन्ग मार्च शुरू किया है, उस लॉन्ग मार्च में हमने 7 डिमांड रखा है। हम कह रहे हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम मिलना चाहिए, और इस देश की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे उसमें हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हो, किसी धर्म को मानने वाले या ना मानने वाले, तथाकथित ऊंची जाति के हों या नीची जाति के हों, तमाम लोगों को जो बराबरी का हक मिला है, उस बराबरी के हक के साथ बिना भेदभाव के वो अपनी जिंदगी आत्मसम्मान से जी सकें, ये हमारे लॉन्ग मार्च का डिमांड है। बताओ ये देश विरोधी डिमांड कैसे है? तब ये कहते हैं कि JNU में नारेबाजी हुई थी। जब आप इनसे बहस करेंगे तो ये क्या करेंगे कि किसी भी बहस पर खड़े नहीं होंगे, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो एक सवाल के बदले में दूसरा सवाल पूछेंगे। तब वो कहेंगे कि JNU में नारेबाजी क्यों हुई थी। अरे भाई,
पहली बात तो जेएनयू में नारेबाजी होती है, लेकिन देश के खिलाफ नहीं होती है, देश के लोगों के पक्ष में होती है। रोहित को न्याय दिलाने के लिए होती है, नजीब को न्याय दिलाने के लिए होती है, पहलू और अखलाक को न्याय दिलाने के लिए होती है। इस देश के अंदर जो 12,000 किसान मर गए हैं उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी होती है। और अगर ये देश के खिलाफ नारेबाजी है तो ये तुम्हारे देश की संकल्पना है, ये हमारे देश की संकल्पना नहीं है। वापस जेल में डाले और उसके ऊपर कार्रवाई करें। मसला क्या है? मसला ये है कि इनको मालूम है कि हमने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, तो हम देश के पक्ष में जो बोल रहे हैं इससे इनको दिक्कत है, इसीलिए हमारे देश के पक्ष में बोलने की जो आवाज़ है उस आवाज़ को ये दबाना चाहते हैं और अपने सरकार के पक्ष में मोदी मोदी का नारा लगाना चाहते हैं। तो इनको हम कह देना चाहते हैं कि तुम्हारे किसी भी डराने के साजिश के खिलाफ हैं हम, क्योंकि हम डराने वाले नहीं, हम सही और न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले, लड़ने वाले लोग हैं। और ये जो कि हम चुन करके आए हैं, हम इस देश में 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, क्या इस देश के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बात की वो पड़ताल करें कि 2 करोड़ रोजगार पैदा हुआ कि नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गंगा की सफाई करेंगे, सरकारी एजेंसी है, कन्हैया कुमार की एजेंसी नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपया गंगा सफाई पर खर्च किया गया और 3 साल में गंगा और ज़्यादा गंदी हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इस देश के किसानों को फसल का पूरा दाम देंगे, फसल बीमा देंगे, जिससे किसान आत्महत्या रुक जाएगी। रियलिटी क्या है कि अभी भी औसतन प्रति वर्ष 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। और जो बीमा देने वाली कंपनी है जिसको ठेका दिया गया, उस बीमा का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओह माय गॉड, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टेंडर जिस कंपनी को मिला, उस कंपनी का 1 साल का मुनाफा 10,000 करोड़ का है। ये रियलिटी है। और इस रियलिटी पे यदि आप सवाल करते हैं तो सीधे सीधे आपको क्या कह दिया जाएगा कि आप हिंदू विरोधी हैं, सीधे सीधे ये कह दिया जाएगा कि आप समाज विरोधी हैं, आप संस्कृति विरोधी हैं, आप इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। चलिए इसी पे विमर्श कर लेते हैं। हमारा जो बुनियादी सवाल है शिक्षा का, रोजगार का, सबके आत्मसम्मान का, किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए, गरीबों की गरीबी कम होनी चाहिए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था मिलनी चाहिए, ये जो बुनियादी सवाल है इसको 1 मिनट के लिए पीछे छोड़ देते हैं। इनका जो आरोप है हमारे ऊपर उसी पर बहस करते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं, कि हम लोग जो है लॉन्ग मार्च के दौरान बाढ़ राहत सामग्री इकट्ठा करने के लिए एक डब्बा लेकर के घूम रहे हैं।